हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम लोग वहीं पर आ खड़े हो गए। न्यूमेरिकल हमारा खत्म हो गया, अब हम आ चुके हैं थ्योरी पर बेटा। और देखो एक बात आप समझना, न्यूमेरिकल पढ़ाने का मजा अलग है, थ्योरी में सच बताऊं तो मुझे पढ़ाने का मन नहीं करता, लेकिन आपका प्यार है कि चलो मैं खड़ा हो जाता हूं। मेरा सोच पता है क्या, मेरा सोच ये नहीं है कि मैं थ्योरी तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा, ऐसा वैसा नहीं, मैं बड़ा घटिया थ्योरी पढ़ाता हूँ बेटा। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि जो डेफिनेशंस मैं लिखवाता हूँ, जो नोट्स मैं आपको बनवाता हूँ, एटलीस्ट इतना आपको करवा देता हूँ कि आप अगर उस नोट को अच्छे से पढ़कर जाते हो, एग्जाम में आप लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और अगर मेरे नजरिए से देखोगे तो मैं बहुत घटिया थ्योरी पढ़ाता हूँ, लेकिन प्यार है आपका, खड़ा हूँ यहाँ पे। चलिए बेटा, अब मान लो कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, एक पहाड़ है बहुत बड़ा सा, है ना? आप क्या है बेटा, पहाड़ है बहुत बड़ा सा। अब आप यहाँ ए पर खड़े हो और आप ये चाहते हो कि ये जो पहाड़ है इसका ये जो चोटी है ये कितने एंगल पर है। क्योंकि देखो बेटा, अगर आपको एंगल पता है, अगर आपको एंगल पता है कि ये पहाड़ पे की ऊंचाई पर ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप पता बिना कुछ किए इसका हाइट मेजर कर सकते हो। बिना कुछ किए, है ना, बिना पहाड़ पे चढ़े आप हाइट को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री का ये यूज आप सभी ने पढ़ा है बेटा, ठीक है? तो यहां पर जो एंगल मेजरमेंट होता है ना कि कितने एंगल पर पहाड़ की चोटी है, ठीक है भाई, उसको तो अपन उससे तो करेंगे नहीं चंदा से, है ना, कि एक चांद ले लिए और लगे एंगल ना आपने, ठीक है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा कि सिविल इंजीनियरिंग में जब एंगल मेजरमेंट की बात आती है ना, तो हम लोग थियोडोलाइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? थियोडोलाइट का यूज करते हैं, है ना। और ये जो एंगल है, ये ऊंचाई बता रहा, तो ये आपका वर्टिकल एंगल है। ये क्या है बेटा? आपका वर्टिकल एंगल है, क्योंकि ये सीधा ऊंचाई आपको बता रहा है, वर्टिकली आपको बता रहा है, तो ये आपका वर्टिकल एंगल है, ठीक है। मान लो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, एक घर है यहाँ पर, एक घर यहाँ पर हो, आप यहाँ पर खड़े हो, आप चाहते हो कि इन दोनों घर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये अगर मेजरमेंट करना चाहते हो तो ये आपका होगा हॉरिजॉन्टल एंगल। ये क्या होगा बेटा? आपका हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। चलिए, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे, सिविल इंजीनियरिंग में जाओगे, तो जब भी एंगल मेजरमेंट के बारे में बात आएगा ना, तो एंगल मेजरमेंट जिस डिवाइस से किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं थियोडोलाइट। और ये जो थियोडोलाइट होता है ना बेटा, ये वर्टिकल एंगल भी मेजर करता है कि कोई चीज कितना ऊंचाई पर, इस तरीके से एंगल भी मेजर करता है, और ये हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर करता है ना। ये आप मानकर चलो कि वर्टिकल एंगल भी मेजर करता है और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल एंगल भी क्या करता है, मेजर करता है। जब आप नीचे से ऊपर देखकर मेजरमेंट करते हो तो वो वर्टिकल होता है, और जब आप लेफ्ट से राइट चाहे राइट से लेफ्ट करते हो तो वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। चलिए, तो थियोडोलाइट अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है, तो आप बोलना कि सर ये एक डिवाइस है जो हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ वर्टिकल एंगल को भी मेजर करता है, और इसका हम लोग यूज कंस्ट्रक्शन साइट पे करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये हो गया थियोडोलाइट का आपका डेफिनेशन। इसको आप क्या करो, सबसे पहले नोट कर लो बेटा। बड़ा बोरिंग होता है थ्योरी पढ़ाना, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ना बच्चे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो, ये ऐसा दिखता है बेटा थियोडोलाइट, है ना। इसमें एक टेलीस्कोप होता है, क्योंकि दूर अगर देखना है अपन, है ना, और इसमें देखो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इसको, दाएं बाएं, देखो ये वाला जो है ना, इससे हम लोग इस तरफ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और यहां पर ये जो बना हुआ है इससे हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझो कि फुल्ली एडजस्टेबल होता है ना, आप इसको इस तरीके से ही मूव करवा सकते हो और इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हो आराम से। ये हॉरिजॉन्टल एंगल भी नाप सकता है और आपका वर्टिकल एंगल भी नाप सकता है। अब मान लो एग्जाम में आपको थियोडोलाइट पूछ दिया, तो भाई साहब सिर्फ इतना लिखोगे ना तो आपको मानकर चलो एक से दो मार्क्स देगा, अगर एग्जाम में आपसे थियोडोलाइट पूछता है तो सात नंबर का सवाल है। अगर आप इतना लिखोगे तो आपको एक से दो नंबर मिलेगा। तो आपको कैसे लिखना है बेटा, पहले आप ये डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद ये 2D फिगर बनाओगे थियोडोलाइट। बहुत ईजी है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इससे ईजी फिगर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलिए, फिगर बनाने के बाद आपको थोड़ा सा पार्ट्स के बारे में लिखना है, ठीक है। क्या क्या होता है बेटा पार्ट्स? टेलीस्कोप होता है, जो दूर मतलब दूर है उसको नजदीक अपन देख सकते हैं, देखने में दिक्कत नहीं होता अपन को, है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल होता है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंगल को नापने के लिए, वर्टिकल वर्टिकल एंगल को नापने के लिए,
ठीक है, लेवलिंग मैकेनिज्म होता है कि जो हमने वहां पे रखा है थियोडोलाइट को वो लेवल पे है या नहीं है। ठीक है, प्लम बॉब होता है बेटा, अपन देखने के लिए होता ना सुई धागा, मतलब एक ऐसा होता है जिससे अपन वो नापते हैं कि ये सीधा है कि नहीं है। अरे वो मैंने बताया था प्लम बॉब, उसमें जो मैं पढ़ा रहा था, लट्टू की तरह होता है एक धागा, इसमें एक रस्सी जुड़ी हुई रहती है। ठीक है चलो, और आपका माउंटिंग बेस होता है। तो ये पांच चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी बेटा, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्या क्या करना पड़ेगा आपको, आपको सबसे पहले थियोडोलाइट का जो डेफिनेशन है आप वो लिखोगे, उसके बाद थियोडोलाइट का फिगर बनाओगे, और उसके बाद पार्ट्स को मेंशन करोगे। क्या करोगे बेटा, पार्ट्स को आप मेंशन करोगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, 7 मार्क्स पूरा मिलेगा। इस बात को ध्यान देना, कभी कभी सिर्फ पार्ट्स पूछ देता है, तो अगर सिर्फ पार्ट्स पूछेगा ना तो आप इसको डिफाइन करना और ये फिगर बना देना, ठीक है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सिर्फ थियोडोलाइट पूछता है 7 नंबर में, ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखोगे, आप फिगर बनाओगे, और इस जो पार्ट्स और ये जो कंपोनेंट्स है बेटा, इसको आप डिफाइन करोगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, ज्यादा नहीं है, एक एक दो दो लाइन मैंने लिखवाया है ना, एक एक दो दो लाइन का ही है। चलो, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट देखो बेटा, एक होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट, जो आपका रोटेट कर सकता है 180 डिग्री तक। कितने डिग्री तक बेटा, 180 डिग्री तक पूरा वो घूम सकता है। और एक होता है नॉन ट्रांजिट, तो नॉन ट्रांजिट हम लोग यूज नहीं करते, ये फिक्स होता है, ये मूवेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रांजिट थियोडोलाइट जो होता है बेटा, वो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं, लेकिन ये जो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है ये फिक्स होता है। ठीक है, तो जो मेनली हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग ट्रांजिट थियोडोलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, दो टाइप का थियोडोलाइट होता है, एक ट्रांजिट और एक आपका नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट जो होता है बेटा वो मूवेबल होता है, और नॉन ट्रांजिट जो होता है बेटा वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। चलिए, बेसिक तो आपको पता चल गया ना कि थियोडोलाइट से हम लोग एंगल नापते हैं, वर्टिकल एंगल भी नाप सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल भी नाप सकते हैं। फिगर मैंने आपको लिखवा ही दिया, बता ही दिया। चलो, यूजेज एंड फंक्शन, सर्वे में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक, कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कि कौन सा एस्ट्रॉइड एक दूसरे से कितना दूर है, इसमें भी यूज करते हैं, और माइनिंग और टनलिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन हो गया, कभी कभी फंक्शन भी आपसे पूछ देता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो ये जो थियोडोलाइट का टॉपिक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि एग्जाम का समय तो ज्यादा ठीक है, मतलब मैं एक बैलेंस बना के चलता हूँ। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मतलब जहाँ न्यूमेरिकल होगा, कंसेप्ट होगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है, लेकिन थ्योरी में यार ठीक है, तो नहीं जानो जितना जरूरी है, बाकी जब आप आगे जाओगे तो और डिटेल पढ़ोगे, लेकिन हाँ एक बैलेंस बना के चलते हैं आपके नोट्स में, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए, है ना। उतना मतलब ओवर रेटेड नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मैं आपको पढ़ाता हूँ, बहुत हीरो नहीं, थ्योरी के मामले में जीरो हूँ, हाँ, लेकिन नोट्स में आपको प्रॉपर बनवा देता हूँ, जो आपको हीरो बना देगा एग्जाम। ठीक है, चलिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, और भी एक दो टॉपिक से बेटा उसको करवा देंगे, तो हमारा यूनिट 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, टू।